जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध न हारा हो, वैसे महान योद्धा के पराक्रम के बारे में कम मात्र में ही किसी को पता होगा। आज हम जानते हैं हमारे इस वीडियो में। समस्त आर्यवर्त पे धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का जीतना जरूरी था और युद्ध को जिताने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका महान धनुर्धर अर्जुन की थी। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने बताई है और महान बलवान भीष्म ने भी मानी है। अर्जुन का नाम सव्यसाची भी था। सव्यसाची का अर्थ होता है जो अपने दोनों हाथों का समान इस्तेमाल कर पाए वैसे पुरुष। ये बात अर्जुन को विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाती थी। अर्जुन की ये अद्भुत कला के कारण उनकी प्रशंसा भी होती थी। सच्चा योद्धा वही होता है जो दूसरों की कला का कदर करे। कर्ण से युद्ध के दौरान स्वयं कर्ण ने भी उनकी ये कला की प्रशंसा की थी। अर्जुन ने नृत्य कला भी प्राप्त की थी। वे कला उन्हें अज्ञातवास के दौरान काम आई और वनवास के दौरान कई अस्त्र शस्त्र भी उन्होंने सीखे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्रदेव से युद्ध किया था, इसलिए अग्निदेव ने अर्जुन को योग्य मानकर दंडवत दिया। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अर्जुन की भुजाएं इतनी कठोर थी कि सामान्य धनुष उनके हाथों में टूट जाते थे और अग्निदेव का गांडीव इतना बलवान था कि अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण और भीमसेन ही उन्हें उपयोग कर सकते थे। सबसे कठिन तपस्या से प्राप्त होने वाला पाशुपतास्त्र ज्ञान गांडीवधारी अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। हर युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विजय नाम से भी पुकारते थे। अर्जुन को उनकी कला ज्ञान महान बनाते ही है, किंतु दया, वीरता, क्षमा भाव, बड़ों के प्रति आदर भाव जैसे गुण उन्हें और महान बनाते हैं। इन कारणों से आज भी उन्हें आदर भाव से याद किया जाता है। उनकी महानता के कारण आज हमारे भारतवर्ष में श्रेष्ठ खिलाड़ियों को उनके नाम से ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।